आप देख रहे हैं ब्रजभूमि न्यूज, ब्रज की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन का माध्यम ब्रजभूमि न्यूज। In that language, I think earliest philosophy, Sankhya philosophy, the main sort of message is ahimsa, karuna. So the message of ahimsa, karuna, is still today's world, 21st century, this message, ahimsa and karuna, is very relevant today's world. तो भारत की जो सबसे प्राचीन जो परंपरा सांख्य दर्शन की परंपरा रही, ऐसी इतिहासों से स्पष्ट है, उस समय भी अहिंसा करुणा का संदेश दिया जाता था और दिया भी गया था, हमारे आचार्यों के द्वारा दिया गया था, भारत में और अन्य जगह भी भली भांति फला फूला। तो प्राचीन जो सांख्य दर्शन की व्यवस्था, उन जो के प्रेम और करुणा का संदेश आज भी प्रासंगिक है, आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन समय में था। धन्य धन्य ब्रज भूमि के तूने चरण चिन्ह यहाँ डाले, भाग्यवान है कृष्णा तेरे देश में रहने वाले। मैं ब्रज को रसिया ब्रजवासी, मेरो मन कान्हा को दास, आत्मा राधे की दासी। ब्रज की बोली मिठलौनी जी, ब्रज की बोली मिठलौनी, और ब्रज भूमि सी भूमि जगत में और नहीं होनी। तो ये जो ब्रजभूमि है, इसकी अगर आप लीलाएं देखना चाहते हो, देखते रहिए ब्रजभूमि न्यूज। मुक्ति कहे गोपाल सोंप, मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। चारों धामों से निराला ब्रज धाम और उसकी विरासत, संस्कृति, खान पान, रहन सहन का जीवंत माध्यम ब्रजभूमि न्यूज यूट्यूब पर, जहां नित्य ठाकुर दर्शन, संत महंतों के आशीष वचन, भावपूर्ण भजन, ठाकुर रासलीला के नित्य दर्शन, आध्यात्म पर चर्चा और आपकी जिज्ञासा के उत्तर, साथ ही मुख्य मुख्य आयोजनों का सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप जुड़ें ब्रजभूमि न्यूज से और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आनंद लें ब्रजभूमि न्यूज का।